हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए, आपके लिए आज बहुत ही टेस्टी रेसिपी लेके आई हूँ। ये है चिकन के कोरमे की रेसिपी। बहुत ही अच्छा, एकदम लजीज सा कोरमा बनके तैयार होगा, जो कि आपको बहुत पसंद आएगा खाने में, और बनाने में भी बहुत आसान है। बिल्कुल घर के बेसिक से जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, उनसे ही बनके तैयार हो जाता है कोरमा। तो चलिए बनाना करते हैं स्टार्ट, बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। और इस कोरमे की खासियत ये भी है कि आप इसे रोटी के साथ और चावलों दोनों के साथ खा सकते हैं, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ले लिए 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, और इसे रफली और फाइनली चॉप कर लेंगे। बहुत ज़्यादा फाइन नहीं चॉप करना है, तो इस तरीके से मैं यहाँ पर टमाटर चॉप कर रही हूँ और यहाँ पर प्याज चॉप कर ले रही हूँ। मैंने यहाँ पर वीडियो की स्पीड को बढ़ा दिया है, ताकि बस आपको ये पता चल जाए कि मैं क्या जो है कट कर रही हूँ। तो देखिए, मैंने यहाँ पर प्याज लिए हैं और प्याज को भी मैं यहाँ पर कट कर ले रही हूँ। प्याज को भी ऐसे हम छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। तो देखिए, इस तरीके से मैंने कट कर लिया। इसके बाद 7 से 8 हरी मिर्चें ली हैं, मिक्सर जार में ऐड कर दिया हरी मिर्चों को। इसके बाद जो मैंने कट की थी प्याज और टमाटर, इन दोनों को मिक्सर जार में हम ऐड कर देंगे और इन सबको ग्राइंड करके फाइन सा पेस्ट बना लेंगे। इसके बाद मैंने यहाँ पर एक वेसल लिया है, वेसल में मैं ऐड कर रही हूँ 3 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल। ऑयल को अच्छे से गर्म करने के बाद में मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ चिकन। तो मैंने यहाँ पे 1 kg यानी 1 किलो चिकन ले लिया है। चिकन को हम ऑयल में ऐड करके अच्छे से फ्राई करेंगे। हम यहाँ पे चिकन को बहुत ही अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे, एकदम क्रिस्पी करके चिकन को फ्राई कर लेना है। हम हाई फ्लेम पे इसे पूरे 3 मिनट तक पकाएंगे। चिकन का जो कलर है बिल्कुल चेंज हो जाएगा, और चिकन के अंदर जो स्मेल होती है वो भी ख़त्म हो जाएगी, और इसका टेस्ट जो है बढ़ जाएगा। तो देखिए, चिकन का जो कलर है वो बिल्कुल चेंज हो गया है, और अभी मैं इसको और मिक्स करके भून लूँगी अच्छे से। तो बिल्कुल कलर इसका चेंज हो जाता है और इसमें से खुशबू आने लगती है बहुत ही अच्छी वाली। तो मैं इसको और भून रही हूँ 2 मिनट के लिए, और अब चिकन जो है अच्छे से गल गया है, तो मैं चिकन के सारे पीसेज जो है इसमें से निकाल लूँगी। एकदम गोल्डन सा कलर आ गया है चिकन पर, तो देखिए कुछ इस तरीके से गोल्डन सा कलर आ गया है बोटियों पे। और हम चिकन के सारे पीसेज को ऑयल में से बाहर निकाल लेंगे, और इसके बाद इसे सेम ऑयल में मैं ऐड करूँगी। तो चिकन निकाले, चिकन को साइड कर देंगे। चिकन में हम यहाँ पर इस कुछ मसाले ऐड करेंगे, जैसे 1 teaspoon लाल मिर्च पाउडर, 1 teaspoon धनिया पाउडर और 1 teaspoon, 1/2 teaspoon हल्दी पाउडर। तो जब मैंने लाल मिर्च पाउडर को सबसे पहले ऐड किया है ऑयल में, और इसके बाद मैं यहाँ पर कुछ साबुत गर्म मसाले ऐड करूँ। इसमें 3 से 4 काली इलायची, 3 से 4 हरी इलायची, 4 से 5 लौंग, 4 से 5 काली मिर्चें और 3 से 4 तेज़पत्ते मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। तेज़पत्ते को ऑयल में अच्छे से पका लेंगे। इसके बाद जो मैंने पेस्ट बना के रखा था प्याज हरी मिर्च और टमाटर का, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। इससे ग्रेवी बहुत ही स्मूथ बन के तैयार होगी। पानी ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं, इसमें टमाटर का पेस्ट ऐड हो गया है, प्याज का पेस्ट ऐड हो गया है। तो अभी हम मसालों को अच्छे से भूनेंगे। जो पाउडर मसाले जो मैंने नहीं डाले थे, जैसे धनिया पाउडर, हल्दी वगैरह, वो मैंने उससे पहले मैंने यहाँ पे गरम मसाले ऐड किए हैं। तो अब जो बाकी के मसाले थे वो भी मैं यहाँ पर ऐड कर दे रही हूँ। देखिए ये वाले, इनको भी यहाँ पर मिक्स कर लेंगे और सारे मसालों को यहाँ पर अच्छे से भूनेंगे, जब तक इसमें से ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता, जब तक हम इसकी भुनाई करेंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पर। और मैं यहाँ पर 1/2 कप दही ऐड करूँगी, और दही को भी यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो इस तरीके से हम दही को भी यहाँ पर मिक्स कर ले रहे हैं। तो देखिए, दही के साथ भी हम इसकी अच्छे से भुनाई कर लेंगे, और इसके बाद मैं फ्राई किया हुआ चिकन ऐड कर रही हूँ यहाँ पे।
देखिए फ्राई किया हुआ चिकन ऐड कर रही हूँ, हाई फ्लेम पर पकाएंगे हम इसे 4 से 5 मिनट तक। मैंने इसमें ग्रेवी ज़्यादा रखी है, अगर आपको ग्रेवी ज़्यादा पसंद नहीं है तो आप पानी जो ग्रेवी है उसको सुखा सकते हैं, या फिर अगर ज़्यादा पसंद है तो पानी और भी डाल सकते हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पे 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया जिसे मैं डालना भूल गई थी, मुझे स्टार्टिंग में ही मसालों के साथ ऐड करना था पर मुझे अभी याद आया तो मैंने अभी यहाँ पर ऐड कर दिया है। और इसको हाई फ्लेम पे जो है अच्छे से मिक्स करके 3 से 4 मिनट तक पका लेंगे, तब जो है लहसुन अदरक का पेस्ट अच्छे से पक जाएगा। तो अब देख सकते हैं बिल्कुल ऑयल सेपरेट हो चुका है मसालों में से। अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे फ्रेश फ्रेश पुदीने के पत्ते और धनिया के पत्ते यहाँ पर ऐड कर देने हैं, इनसे बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। अगर आपके पास केवड़ा वाटर अवेलेबल है तो आप केवड़ा वाटर भी ज़रूर ऐड करें, केवड़े वाटर से भी बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो बस मैंने गैस की फ्लेम को ऑफ कर दिया था, इसे कवर करके रख दिया था, यानी अब हमारा चिकन का कोरमा परफेक्टली बन के रेडी हो गया है। आप देख सकते हैं ऑयल पूरी तरीके से सेपरेट हो चुका है, चिकन भी बढ़िया से गल चुका है। तो आप भी इस कोरमे को आराम से घर पे बना सकते हैं। अगर आपको ग्रेवी ज़्यादा लग रही है तो आप इसे भून लें तो ग्रेवी बिल्कुल कम हो जाएगी, क्योंकि मैं चावलों के साथ खाऊंगी तो मैंने इसलिए बनाया है। अगर ऐसे भी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को कमेंट